नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आदर्श गांव का सपना देखा था। हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन बापू का सपना पूरा नहीं हो सका। बापू के उसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की योजना के मुताबिक हर सांसद को 2019 तक 3 आदर्श गांव बनाने, जिसमें 2016 तक सांसदों द्वारा गोद लिया पहला गांव आदर्श गांव बन जाना चाहिए था, और इसके बाद 2019 तक 2 और गांव को गोद लेकर उन्हें भी विकसित किया जाना चाहिए था। पीएम के कहने पर सभी सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र के गांव को गोद लिया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर आकार ले सकी है? क्या सांसदों के गोद लिए गांव आदर्श गांव बन सके? हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इसी की पड़ताल कर रहे हैं, और हमारे कैमरे गांव में विकास की जो तस्वीर कैद कर रहे हैं उसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको बाराबंकी सांसद प्रियंका सिंह रावत के गोद लिए गांव ले चलेंगे और दिखाएंगे वहां की विकास की हकीकत। केंद्र में मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श गांव योजना के करीब 3.5 साल बीत चुके हैं। जिस जोश के साथ प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी, उसी उत्साह के साथ लोकसभा की 4वीं सबसे युवा सांसद प्रियंका सिंह रावत ने गांव को गोद लेने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री के आह्वान पर सांसद प्रियंका सिंह रावत ने नवंबर 2014 को बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र के बुदनई गांव को गोद लिया था। बाराबंकी के कई गांवों को बीच से जब सांसद ने बुदनई को आदर्श गांव बनाने के लिए चुना, तो गांव वालों को यकीन हुआ कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। सांसद प्रियंका सिंह रावत ने भी बुदनई को एक मॉडल गांव के तौर पर विकसित करने का वादा किया, ताकि बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र के दूसरे गांव भी उनसे प्रेरणा ले सके। लेकिन आज बुदनई को गोद लिए 3.5 साल का वक्त पूरा हो चुका है, उससे ज्यादा भी वक्त हो गया। तो क्या गांव वालों से किया वादा सांसद प्रियंका सिंह रावत ने निभाया? क्या बुदनई आदर्श गांव बन पाया? ये जानने के लिए हम गोद लिए गांव बुदनई पहुंचे, और यहां विकास की जो तस्वीर हमें देखी, हम चाहते हैं आप भी देखें। यह है बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र का बुदनई गांव। ये गांव बाराबंकी जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। नवंबर 2014 को इस गांव में खूब खुशियां मनाई गई थी, जब बुदनई गांव को 16वीं लोकसभा की 4वीं सबसे युवा सांसद प्रियंका सिंह रावत ने गोद लिया था। जाहिर है प्रियंका सिंह युवा हैं, तो उनसे आदर्श गांव के लोगों को उम्मीदें भी ज्यादा हैं। सांसद प्रियंका सिंह रावत ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि वो बुदनई गांव को इस तरह से विकसित करेंगी कि आसपास के गांव भी इसके विकास की प्रेरणा ले सकेंगे। सांसद के गोद लेने के बाद बाराबंकी के जिलाधिकारी समेत कई आला अफसरों ने बुदनई गांव का दौरा किया और गांव की तस्वीर बदलने के लिए लोगों की समस्याओं को सुना और उसके समाधान के लिए योजनाओं को भी बनाया। लेकिन क्या 3.5 साल बाद योजनाएं धरातल पर उतर पाई हैं? क्या कागजों में बनी विकास की तस्वीर हकीकत का रूप ले सकी है? ये जानने के लिए एपीएन की टीम सांसद आदर्श गांव बुदनई पहुंची। इस वक्त खड़े हैं हम बाराबंकी के बुदनई गांव में, जहां कि बाराबंकी की जो सांसद हैं प्रियंका सिंह रावत, इस गांव को गोद लिया है और यहां पे वादा किया था कि इस गांव में बिजली पानी जैसी सारी सुविधा दी जाएंगी, पर देखना होगा क्या बाराबंकी की सांसद अपने वादों पे खरे उतरती हैं। हम आपको दिखाएंगे हर गली और गलियारे से कराएंगे आपको रूबरू। इससे पहले कि हम गांव में विकास की तहकीकात को शुरू करते, हमने सांसद महोदया के कामकाज के बारे में लोगों की राय जानने का फैसला लिया। तो सुनिए गांव वालों का सांसद प्रियंका सिंह रावत के कामकाज के बारे में क्या कहना है। जिस तरीके से गोद लिया गया था, उस तरीके से लग रहा है कि आपको गोद लिया गया गाँव है। इस तरीके से लग रहा है, आप किसी भी एंगल से किसी भी चीज में देखिए कि यहाँ पे क्या आप क्या सुविधा देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कूड़ा, देखिए आदमी, यहाँ पे जैसे ढेर लगा हुआ है, दुनिया भर के कूड़े लगे हैं, तालाब, सड़कें बोले गई थी कि पक्की सड़कें बनाई जाएंगी, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। आज भी देखिए सब खुला 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 ऐसे रखे हैं। कॉलोनियाँ काटने के लिए बोला गया था, वो भी नहीं काटी थी, वो भी नहीं दी गई। जिनको मिली हुई डबल डबल उनको मिली है, वो डबल डबल मिली गई हैं। जिनको नहीं मिलनी थी वो नहीं मिली। घर ऐसे कैसे पड़ा हुआ, आप ये बताइए कि हमारा गाँव इस तरीके से कैसे उन्नत हो गया? कोई प्रकार की व्यवस्था इन्होंने दिया ही नहीं अभी तक। रही बात गांव आने की, तो एक दो बार शुरुआत में आई ही थी, उसके बाद तो गांव की तरफ तो आती हैं, उधर रोड रोड निकल जाती हैं, इधर आते ही नहीं। फिलहाल गांव से उनका लगाव ही नहीं था। प्रारंभ में जब गोद लिया गया, उसका पूरा मन पहले ही नहीं था कि गांव गोद लिया जाए। उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा है कि गाँव को बदनामी करके धर दिए हैं और कोई सुविधा अभी तक नहीं दिए हैं।
अगर अगला कोई गांव गोद लिया तो उसे अलर्ट होना चाहिए कि भाई गोद लेना चाहते तो दूर से हाथ जोड़ ले कि हमारा गांव गोद ना लिया जाए। कुछ नहीं मिल रहा, ना खेती ना किसानी ना राशन ना कार्ड, दौड़ धूप का हमारा लड़का साहेब बनवाई से बड़का है, वह 5-5 किलो में मिल रहा है, है? पानी का जौन तकलीफ है और पिंका रावत आवत कहा गोदी हम नहीं लेना तुम लियो माता जी हो रही हूँ है, बोला कोई व्यवस्था नहीं उनका इधर वही नहीं दे जो हुआ जात वह पूछा कहा बताओ साहेब हो रहे हो कौन कमी तो प्रधान का था टो 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 यहाँ कोई कमी नहीं हमरे फते के लिए तो गरीब को देख है तो आई यहाँ अब सासूल नहीं कहाँ का दवाई का जाए पैसा कौड़ी नहीं कहाँ गरीब मने खेती नहीं है कहो कसम खाए के बताई कहो हाथ बताई। गांव वालों की बातों को सुनने के बाद हम आगे बढ़े तो गांव की ओर जाने वाली जो पक्की सड़क हमें दिखी थी वो गांव पहुंचते ही खड़ंज सड़क में तब्दील हो गई। आदर्श गांव में हम पक्की सड़क की उम्मीद कर रहे थे लेकिन गांव तक तो पक्की सड़क थी। गांव की मुख्य सड़क गोद लिए जाने के 3.5 साल बाद भी पक्की या सीसी सड़क नहीं बन सकी। गाँव में जिधर भी हम गए ज्यादातर हमें खड़ंजा सड़कें ही दिखी। पूरे गाँव में या तो खड़ंजा सड़कें हैं या फिर कच्ची सड़कें। गांव की कई अंदरूनी सड़कों को तो आज तक खड़ंजा नसीब नहीं हुआ, ये सड़कें आज भी कच्ची हैं। देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये सड़क आदर्श गांव की है। ज्यादातर खड़ंजा सड़कें गोद लिए जाने से पहले की बनी हैं, जो अब टूटकर मिट्टी में तब्दील हो रही हैं। कई रास्ते तो ऐसे हैं जिन पर चलना भी दूभर है। गाँव वालों का कहना है कि बरसात में रास्तों पर घुटनों तक पानी भर जाता है और फिर पूरे गाँव का नजारा नर्क में तब्दील हो जाता है। और हमारा गाँव की जितनी भी सारी सड़कें हैं इसमें वादे किए गए थे कि सारी सड़कें जो हैं पक्की बनवाई जाएंगी और ये अभी तक नहीं बनवाई गई, जैसे कि तैसे वैसे सब पड़ा हुआ है। जैसे जहाँ पे खुदाई हो गई वो वैसे पड़ी हुई है वहाँ पे और लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है सर। और जैसे कि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। हम लोग भी जैसे यहाँ पर रहते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। कोई सुविधा नहीं, कच्चे गलियारा गड्ढा है, आदमी गिर के लंगड़े लूले हो जाते हैं, बहुत चोट खाए जाते हैं। नाली वाली सब सब बता रहे हैं। ना खड़ंजा लगा, ना नाली बनी, कोई सुविधा नहीं हुई, ना आरसीसी रोड बना। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही हैं। आदर्श गांव बुधने की सड़कें किसी आम गांव की सड़क की तरह नजर आती हैं, तो साफ सफाई और जल निकासी के मामले में भी इस गांव की स्थिति बेहतर नहीं हो सकी। कुछ नालियां तो पक्की बनी हैं लेकिन गांव के ज्यादातर इलाके पक्की नालियों को तरस रहे हैं। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से नालियां जाम पड़ी हैं और गंदगी से बच बजा रही हैं। इन नालियों का पानी भरकर गांव की सड़कों पर पसर जाता है। आदर्श गांव में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को भी पूरी तरह से पलीता लगाया जा रहा है। सड़क किनारे गंदगी का अंबार लगा है तो वहीं आपको कमोवीश हर जगह कूड़े के ढेर देखने को मिल जाएंगे। साफ सफाई की कोई व्यवस्था इस गाँव में हमको तो नजर नहीं आई। यहाँ पर आपके जो रोड हैं क्या साफ सफाई करने के लिए कुछ लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते, कोई नहीं आता, देखा नहीं आ रहा है, कोई नहीं आता है, कोई देखने नहीं आता है। पक्की सड़कें बनाने की बात करी गई थी गांव में, क्या पक्की सड़कें बनी हुई हैं? यहाँ कुछ नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। अगर कोई विचार करते हैं तो सोचते हैं, सब चीज सोचते हैं। वहीं गांव वालों का आरोप है कि साफ सफाई के मामले में भी गांव में पक्षपात किया जाता है। प्रधान के घर के पास वाले इलाके में तो सफाई है लेकिन बाकी हिस्सों में गंदगी पसरी हुई है। सांसद जी भी केवल प्रधान के घर तक आकर चली जाती हैं। क्या आपके गांव की सफाई होती है रोड? आधे गांव पूरब होती, पश्चिम वाले आधे गांव नहीं हो पाती सफाई। ऐसा क्यों? ये तो आदर्श गांव है, यहां पर सफाई पूरे गांव की होनी चाहिए। हमसे और लोग से पूछ लियो, आधे गांव उधर हो इधर नहीं, कोई उत्तर पूछ लियो हमसे, घुमा लेके चले जा रहे हैं। और तो कुछ हुआ भी नहीं, जब से सांसद बने तब से कुछ हुआ भी नहीं, खाली टंकी बनी पाए उसमें पानी भी नहीं निकला, टंकी भर के खड़ी हुई। सांसद जी आप लोगों से मिलने आती हैं? नहीं, एक साल हो गया नहीं है। स्वच्छता मिशन के तहत खुले में शौच मुक्ति अभियान भी गांव में परवान नहीं चढ़ सका। गांव के ज्यादातर घरों में शौचालय का निर्माण नहीं हो सका और जिन घरों में शौचालय बने भी हैं वो किसी काम के नहीं। बनाए गए शौचालय में इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि वो सांसद जी के कार्यकाल तक खड़ा रह सके यही गनीमत होगी। हाल यह है कि शौचालय के गिरने के डर से लोग इनका इस्तेमाल करने से परहेज कर रहे हैं। गाँव की महिलाओं के लिए ये इज्जत घर उनकी इज्जत ढकने के काम नहीं आ रहे, मजबूरी में ये लोग खुले में शौच जा रहे हैं। खासकर महिलाओं की शिकायत ये है कि महिला सांसद होने के बावजूद वो महिलाओं की परेशानी नहीं समझ पा रही हैं, जो दुख की बात है। हाँ यूज तो करती है लेकिन ठीक नहीं भाई, अब आलू वालू से जो रही है सब गिर रहे हैं। हाँ और जगता पलस्तर रहा वो सब गिर गया। आवास वास कुछ भी मिले हैं? कुछ नहीं मिला है, आवास वास कुछ नहीं है। हमने तो देखा है इस गांव में कई शौचालय बने हुए हैं। हाँ, तो हमारे पास इधर कुछ नहीं देख रहा, ये हमारी घर यही है, इसके पास में कुछ नहीं है, सामने खड़ी अपने घर के हमको
कुछ नहीं है। मोदी सरकार के चार साल हो चुके हैं और सांसद आदर्श गांव योजना के 3.5 साल गुजर चुके हैं। युवा सांसद प्रियंका सिंह रावत ने इस योजना के शुरू होते ही पूरे जोश खरोश के साथ बुधनी गांव को गोद लिया था, लेकिन आज इतना वक्त बीत जाने के बाद भी गांव के हालात में कोई तब्दीली नजर नहीं आती। गांव वालों का आरोप तो ये भी है कि सांसद महोदया ने गांव को गोद लेकर उन्हें लावारिस छोड़ दिया। सांसद उनकी परेशानी सुनने नहीं आती और आती भी हैं तो प्रधान से मिलकर चली जाती हैं। हालांकि अभी गांव में विकास की हमारी तहकीकात पूरी नहीं हुई है। हम बुधनई में आदर्श गांव की दूसरी बुनियादी शर्तों का भी रियलिटी चेक करेंगे, लेकिन अब तक हमें विकास की जो तस्वीर नजर आई वो खास उम्मीद नहीं जगाती। संजय यादव, APN, बाराबंकी। बाराबंकी संसदीय क्षेत्र के बुधनई गांव को गोद लिया 3.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक की तहकीकात में हमें गांव में विकास की ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिख सकी जिसे देखकर इसे आदर्श गांव कहा जा सके। लेकिन जब हम गांव में और आगे बढ़े तो हमारे कैमरे ने और भी बहुत कुछ देखा और हम चाहते हैं आप भी देखें। 16वीं लोकसभा की 4थी सबसे युवा सांसद प्रियंका सिंह रावत ने बुधनई गांव को गोद लिया तो इस गाँव की चर्चा दूर दूर तक हुई। गाँव रातों रात सुर्खियों में छा गया। इस गांव को गोद लेने के बाद शोहरत तो मिली, लेकिन क्या सांसद विकास का सौगात दे सकी, ये जानने के लिए APN की टीम ने गांव के गली गली का जायजा लिया। अब तक के छानबीन में हमें कोई खास विकास नहीं दिखा, लेकिन दूर से ही हमें एक खूबसूरत पानी की टंकी दिखी तो सुकून हुआ कि सांसद की कोशिशों से गाँव वालों को अब स्वच्छ पानी मिल रहा होगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये काम भी अधूरा ही पड़ा है। इस वक्त खड़े हैं बुधनई गांव में, जो सांसद जी का ये आदर्श गांव कहा जाता है, और यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पानी की टंकी बनी हुई है, सिर्फ ये नाम की टंकी बनी हुई है। अभी तक ये टंकी करीब 4 साल पूरे हो रहे हैं सांसद जी के, पर अभी तक ये टंकी चालू नहीं हो पाई है। और यहाँ के लोग जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर पानी की कोई बहुत सी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर नल भी खराब पड़े हुए हैं और टंकी की सप्लाई अभी तक चालू नहीं हुई हो पाई है। ये जो कागजों पर सिर्फ इन आदर्श गाँव, यहाँ की जो सांसद हैं उन्होंने कागजों पर इसको आदर्श गाँव घोषित कर दिया, पर अभी तक यहाँ इस गाँव में जो सच्चाई है देखने को मिली है वो आदर्श गाँव अभी तक नहीं बन पाया। दरअसल बुधनई गांव में पीने की पानी की बड़ी समस्या है। गांव में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए सांसद महोदया ने गांव में पानी की टंकी तो बनवा दी, लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक पानी की सप्लाई घरों तक नहीं हो सकी है। खूबसूरत सुर्ख पीले रंग में रंगी ये पानी की टंकी मात्र शोपीस बनकर रह गई है। ऐसे में गाँव वालों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। पर पानी की टंकी बनाई, क्या आप लोगों को पानी यहां पर मिल रहा है? पानी नहीं मिल रहा है, सप्लाई उप्लाई नहीं भाई, पाइप अभी चालू है नहीं भाई, वैसे बनी पड़ी। लगभग कितने करीब 4 साल पूरे हो रहे हैं, अभी तक यहाँ पर सप्लाई ही नहीं हो पाई है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। लोगों को पीने के पानी के लिए गांव में जो हैंडपंप है उसी पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन इन हैंडपंप की तादाद भी बेहद कम है। गांव की जरूरतों को पूरी करने में ये हैंडपंप नाकाफी साबित हो रहे हैं। इन परेशानी के बीच सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो हैंडपंप हैं भी उनमें आधा से ज्यादा खराब पड़े हैं। आप यहाँ जो सांसद जी हैं, ये आदर्श गांव है, यहाँ पर सांसद जी ने नल लगवाने की बात कही थी कि पानी की दिक्कत नहीं होगी, टंकी लगवाएंगे, क्या नल और पानी आपको मिल रहा है यहाँ पे? कहाँ मिलत पानी, कहाँ मिलत पानी, यहाँ ये नहीं कहूँ पानी भर जाए थे, बड़ी दूर पानी भर जाए पर महाथन में सब छलका पड़ जाए, हर राह पानी पियाओ मनाए तो पर ले है। तो यहाँ पर टंकी भी बनी हुई है कि टंकी चलते नहीं है? बनाए प्रधान अपने लिए, हमारे लोगों के लिए, थोड़े गरीबों के लिए नहीं बनाए हैं। और हम लोग क्या नाम, पानी की परेशानी, सब चीज की परेशानी है। बूढ़े आदमी क्या करे, प्यासे मर जाते हैं, कहाँ जाए लेने हैं? अब बम्बा भी लगा है किसी से, बोलो जाके इतनी दूर चलते चलते थक जाओ, वहाँ पानी कहाँ मिलेगा है? टंकी तो बनवाई गई प्रधान के लिए, हमारे गरीबों के लिए थोड़ी ना बनवाई गई। गांव वाले पानी की टंकी के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, उधर खराब पड़े हैंडपंप को बनवाने की जल विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में हैंडपंप के खराब हो जाने पर गांव वाले चंदा कर हैंडपंप को सही करवाते हैं ताकि पीने के लिए पानी मिलता रहे। हमारा आदर्श गांव ग्राम बुधनई पंचायत जो प्रियंका सिंह ने गोद लिया था, और इसमें जो है कई तरीके की दिक्कत है, जैसे हमारे यहाँ नल है उनमें लोग घर से चंदा लगा लगा कर अपना नल बनवाते हैं, उसके बाद आते दिन बिगड़ जाता है, और फिर उसके बाद फिर आते दिन
हमारे यहाँ जल की जो है काफी दिक्कतें होती रहती है। तो यहाँ पे पानी टंकी बनी हुई और यहाँ पे सप्लाई नहीं हुई अभी तक? नहीं जी, अभी सप्लाई नहीं हुई गांव में। पानी टंकी बनी हुई है लेकिन अभी गांव में सप्लाई नहीं हुई। चार साल हो गए करीब ने सांसद जी को गोद लिए हुए गाँव के, अभी तक पानी की व्यवस्था ही नहीं है? अभी तक नहीं है जी। आधुनिक युग की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक बिजली के मामले में ये गांव कितना आदर्श बना, ये जानने के लिए हमने विद्युत व्यवस्था की तहकीकात की तो पूरे गांव में हमें तार और खंबे लगे हुए दिखे। विद्युत आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। हालांकि हमें गांव में कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं मिला जिससे रात के वक्त गाँव की सड़कें रोशन हो सके। वहीं सोलर लाइट भी बेहद कम लगे हैं। गाँव वालों का आरोप है कि आदर्श गाँव के तौर पर गोद लिए जाने के बावजूद बुधनई में बिजली आपूर्ति ठीक नहीं है। गांव को गोद लिया था, यहाँ पर कहे थे कि 16 से 18 घंटे लाइट आएगी, तो क्या यहाँ पर लाइट आपको मिल रही है? लाइट भैया शुद्ध नहीं आवत। लगभग कितने घंटे लाइट आती है यहाँ? अभी घंटा हम नहीं भाई, मगर लाइट शुद्ध नहीं आवत। अच्छा, तो बच्चों को पढ़ाने में और इसमें तो बड़ी दिक्कत होगी। पढ़ाने में 10 बजे मैंने खा पिया था, अपन लाइट जलाई और 10 बजे बाद उतर हो चुका, तो बहुत ही जब मैं पहुँच रहा तब लाइट आवत। अंदर साफ साफ कही लाइट आती है लेकिन पूरे गांव में नहीं आती है, कहीं आती है कहीं तार खराब कहीं क्या, और जो है सब जगह पहुंचती नहीं। प्रधान के दरवाजे के अलावा और किसी के दरवाजे सौर ऊर्जा लगी नहीं है। आदर्श गांव बुधनई में शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो गांव में एक प्राथमिक स्कूल गोद लिए जाने से पहले का बना हुआ है। गांव वालों को उम्मीद थी कि सांसद प्रियंका सिंह रावत इस स्कूल की सुविधाओं में इजाफा करेंगी। वैसे तो बाहर से देखने पर प्राइमरी स्कूल की इमारत ठीक है और गर्मी की छुट्टियों के दौरान क्लास की फर्श को तोड़कर दोबारा बनाने की कवायद भी की जा रही है ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को बैठने में सुविधा हो। लेकिन गाँव वालों का आरोप है कि आदर्श गाँव का स्कूल पढ़ाई के मामले में आदर्श नहीं बन सका है। आमतौर पर आदर्श स्कूल में स्कूल की परिकल्पना एक मॉडल स्कूल के तौर पर की जाती है जहां पढ़ाई के लिए आधुनिक डिस्प्ले बोर्ड, बच्चों के बैठने के लिए टेबल और डेस्क, बच्चों के लिए कंप्यूटर, ई लाइब्रेरी जैसी तमाम सुविधाओं की होने की उम्मीद की जाती है। लेकिन यहां ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि गाँव वाले अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाकर दूर प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। कुछ नहीं बनाएगा सर, वहाँ पर हमारे गांव के पीछे सर पहले से सरकारी स्कूल एक बना सर, उसमें पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है। हम लोग सर वहाँ 5 साल पढ़े सर, एक अपना नाम ऐसा जी नहीं लिखने सीखा सर, हम लोग 3-4-5 किलोमीटर पढ़ने पैदल जाते हैं। काफ़ी तकलीफें होती हैं आप लोगों को, यहाँ स्कूल ना होने से दूसरी जगह जाते हैं पढ़ने? जी सर जी, हम लोग अपना गाँव छोड़ कर डिंडिया में जाते हैं पढ़ने। प्राथमिक स्कूल में बच्चों के लिए जिस तरह रसोई में मिड डे मील बनाई जाती है, वहीं की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ के बच्चों के सेहत के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल के रसोई में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और इसकी साफ सफाई की चिंता किसी को नहीं। बुधनई में शिक्षा व्यवस्था चौपट है तो स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे। सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित गाँवों को स्वास्थ्य मानक के ऊपर उठाने के लिए यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, लेकिन बाराबंकी के आदर्श ग्राम बुधनई में ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। बीमार पड़ने पर दूसरे गांव के स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है, ऐसे में इलाज के लिए यहां के लोग गांव के झोला छाप डॉक्टरों के सहारे हैं। यह अस्पताल कहां, और रात बिरात जरूरत पड़ता तो हम लोगन का कोठी जाग पड़ता है, केसरगंज जाग पड़ता है, कहूँ जाग पड़ता है, मगर यहाँ कोई साधन नहीं है, ना अस्पताल बना ना कोनो वह बना है, का करा जाए, गरीब का कोई सुनवाई नहीं है। सर यहाँ पे आदर्श तो हो गया, बाहर लिख दिया गया आदर्श ग्राम पंचायत बुधनई, पर काम कुछ नहीं हुआ। देखोगे आप दिख रहा वैसे, यहाँ कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई इतना हुआ कि टंकी बन गई, शायद हमारे बच्चे होंगे उनके यहाँ पानी निकल आए, बस इतना ही हुआ बस। सर हम यहाँ झोला छाप जो डॉक्टर बैठते हैं ना, उनके यहाँ दवा लेने जाते हैं, ताकि वैसे भी कोई शायद 100 में 50% लोग जाते हैं सरकारी अस्पताल, बाकी तो सब झोला छाप से लेते हैं। आधुनिक युग में देश दुनिया से जुड़ने के लिए इंटरनेट सबसे सशक्त माध्यम है, लेकिन इस मामले में भी बुधनई गांव आदर्श नहीं बन पाया है। जबकि आदर्श गांव की शर्तों में वाईफाई की सुविधा का होना बुनियादी शर्त है, फिर भी 3.5 साल बाद भी वाईफाई शुरू नहीं हो सका। आपके यहाँ सांसद जी ने जब गोद लिया था गांव, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम सारी सुविधा देंगे, यहाँ पर अस्पताल बनाएंगे जिससे कि लोगों को सुविधा हो। तो क्या अस्पताल यहाँ पर बना है? तो कहाँ पर ले जाते हैं आप लोग? कोठी बाराबंकी और अगर दवाई पानी सब? हाँ, कोठी का दवाई कुछ नहीं, इलाज के लिए काफी दिक्कतें होती हैं। यहाँ वाईफाई लगाए हुए हैं, साल भर में हो गए हैं, कितने दिन हो गए यहाँ पे ना वाईफाई चालू किया है ना कोई
यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होता, कोई अधिकारी आता है कृपया करके यहाँ पे चला जाता है, फॉल मार के चला जाता है, गरीब आदमी को सताते हैं और जो है बता रहे हैं ये चीज़ जिसे कोई कह रहा है। क्या आपको इंटरनेट की सुविधा यहाँ मिल रही है? अभी तो कुछ नहीं है हुआ है, किसी व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं इंटरनेट की हुई होगा, किसी प्रकार की व्यवस्था अभी तक नेट द्वारा कोई नहीं दी गई है सांसद जी को? कुछ नहीं है। सांसद जी आती हैं? आते हैं लेकिन बहुत कम, दो चक्कर आए हम करता। अब तो कार्यकाल खत्म हो रहा है, आपको लगता है कि व्यवस्था इस तरह की हो पाएगी कभी? हमें तो नहीं लगता। बुधनई गांव मूलतः कृषि और मजदूरी पर आश्रित गांव है। वैसे तो प्रदेश और केंद्र में किसानों और गरीबों के लिए कार्यक्रम और योजनाएं बनाई जा रही हैं और उन सब का लाभ लेने के लिए सरकार गरीबों को जनधन खाता भी खोल रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि आदर्श गांव बुधनी में कोई बैंक ही नहीं है। ऐसे में गाँव में वित्तीय गतिविधियाँ बड़ी समस्या बनी हुई है। वित्तीय लेन देन के लिए गाँव वालों को दूसरे गाँव जाना पड़ता है, जिसमें कभी कभी गाँव वालों के साथ लूटपाट भी हो जाती है। यहाँ पर जो सांसद जी हैं, यहाँ का गांव गोद लिया था, आदर्श गांव बनाने की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम बैंक देंगे, क्या बैंक गांव में खुला? बैंक कहाँ, सरकार यहाँ कुछ नहीं भवा है, यहाँ पर सिर्फ यह टंकी बन गया है, ये दखाव होगा है कि यहाँ टंकी बनी है, टंकी से सब कुछ। तो अगर बैंक यहाँ पर नहीं तो आप लोग पैसा निकालने या जमा करने कहाँ पर जाते हैं? जाए पर साहब, और यहाँ कहाँ कहाँ की के लिए कहाँ करें, कहाँ कोठी जाना पड़ता है, नहीं है पैसा। सांसद जी ने बैंक की बात कही थी कि बैंक खुलाएंगे जहां पर गरीबों का पैसा जमा होगा और अपने निकाल सकेंगे, उनको कोई भी असुविधा नहीं होगी, क्या बैंक यहां पर मौजूद है? नहीं सर, कोई बैंक नहीं है, कहा तो गया था कि फिर कुछ नहीं है। तो आप लोग बैंक में, बैंक यहां से कितनी दूर है, कहां पर आप पैसा जमा करने जाते हैं? 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर घर कोठी है या कैसे जो है आदर्श गाँव बुधनई में अगर नागरिक सुरक्षा की बात करें तो एक पुलिस चौकी की स्थापना भी नहीं हो पाई है। ग्रामीणों को अपनी सुरक्षा की फरियाद लेकर अगर जाना हो तो कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आदर्श गांव का सपना देखा था वो इस गांव में कहीं भी नजर नहीं आया। हमारी तहकीकात में बुधनई गांव सांसद प्रियंका सिंह रावत की उपेक्षा का शिकार नजर आया। कागजों में ये गाँव भले ही आदर्श बन गया हो, लेकिन इसे आदर्श गाँव कहना कहीं न कहीं आदर्श ग्राम योजना के साथ मजाक सा लगता है। अब जबकि सांसद ने गोद लेकर बुधनई गांव को आदर्श नहीं बनाया तो फिर आसपास के गांव इससे कैसे प्रेरणा लेकर खुद का विकास करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। संजय यादव, APN, बाराबंकी। तो ये थी सांसद प्रियंका सिंह रावत के गोद लिए गांव बुधनई की जमीनी हकीकत। कल फिर हाजिर होंगे किसी और गांव की, आदर्श गांव की हकीकत लेकर। नमस्कार।